अभी जो है दोस्तों जलेबी मैं तलने वाला हूँ। अभी देखिए कितना अच्छे से बन रहा है जलेबी, एकदम गोल गोल बन रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल हंसी खुशी फैमिली ब्लॉग पर। और दोस्तों अभी जो है हमारा सुबह हो चुका है, सुबह सुबह हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और आज हमारे घर में बनने वाला है जलेबी। दोस्तों देखिएगा हम लोग जलेबी कैसे बनाते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, छोटी मुन्नी का बड़ी मुन्नी का काम देखिए, पूरा मैदा जो है घर में गिरा दिया है। क्योंकि दोस्तों बाजार का जो जलेबी होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, खाने में भी उतना टेस्ट नहीं होता। खास करके अगर आप ओम स्वीट या बीकानेर से लेते हो तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन अगर कोई रेडी वाले से लेते हो तो वो खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग जो है आज घर में बनाएंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग जलेबी घर में। अभी सबसे पहले तो दोस्तों रेशमी ने ले लिया इधर एक कप मैदा और इसको डाल रहे हैं कटोरी में। हम लोग जो है दोस्तों थोड़ा सा जलेबी बनाएंगे, ज़्यादा जलेबी नहीं बनाएंगे, हम लोग खाने वाले ज़्यादा नहीं है। तो अभी थोड़ा सा एक कप मैदा लिए हम लोगों ने, उसमें डाल रहे हैं थोड़ा रेशमी जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डालना पड़ता है दोस्तों ताकि ये जलेबी जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट बने। और इसमें थोड़ा रेशमी जी ने पानी डाल दिया, देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों हमारा जलेबी के लिए जो बैटर है कितना अच्छे तरीके से बन रहा है। ये देखिए दोस्तों एकदम ऐसे रखना है अभी आपको। और इधर देखो छोटी मुन्नी को खुद तो शरीर पे लगा रही है मैदा और बड़ी मुन्नी को भी लगा दे रही है। देखो देख रहे हो उसका शरीर, ले देखो पूरा मैना नो। अभी जो है दोस्तों हम लोग अभी चाशनी बनाने वाले हैं। रेशमी जी देखिए इधर चीनी निकल रहा है चाशनी के लिए। और इधर जो है रेशमी जी ने फ्राई पैन डाल दिया है, गैस भी ऑन कर दिया अभी। और दोस्तों हम लोगों ने जो है दूध वाला जो पन्नी है वो ले लिया, इसमें हम लोग जलेबी बनाएंगे एकदम गोल गोल करके। इसको अच्छे तरीके से अभी रेशमी जी धो रही है, देखिए एकदम देसी जुगाड़ में बनाएंगे हम लोग आज की जलेबी। ये देखिए दोस्तों हमारा जो चाशनी है कितना अच्छे तरीके से अभी उबल रहा है एकदम, ये देखिए अच्छे तरीके से एकदम अच्छे तरीके से बन रहा है अभी। कौन मामा अच्छा, ये देखो कौन आया, अब्बास आया ना, चोर आया, चोर आया। बेटी चोर लग रही है, कहाँ से आई हो? ये खेल रही है पूरा मैदे से। हम लोगों ने जो है दोस्तों थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि हम लोग जलेबी भी थोड़ा सा ही बना रहे हैं। इधर जो है दोस्तों हमारा जलेबी के लिए मैदा भी बन गया है और हमारा चाशनी भी अभी बन गया है। देखिए दोस्तों रेशमी जी अभी चेक कर रही है, देखिए एकदम चिपक रहा है। सो दोस्तों हमारा चाशनी भी जो है बन के रेडी हो गया है, अब बारी है जलेबी को तलने का। अभी जो दोस्तों हमारा कढ़ाई भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया और इसमें रेशमी जी डाल दिया है रिफाइंड के तेल। जलेबी जो दोस्तों घी में भुना जाता है लेकिन घी बहुत महंगा है तो हम लोग इसलिए घी में नहीं तल रहे, हम लोग रिफाइंड में तलेंगे। ये रिफाइंड गोल्ड है, ये जो तेल है दोस्तों ये रिफाइंड गोल्ड है। गोल्ड हो ये पीतल हो बता दो तेल ये। तो ये अब्बास का कहना है कि गोल्ड हो या पीतल हो है तो तेल ही। तो दोस्तों रेशमी जी जो है अभी हमने जो मैदा बनाया था जलेबी भुनने के लिए, जलेबी तलने के लिए, उसको अभी देखिए दूध के थैली में डाल दिया है। जो है रेशमी जी इसमें थोड़ा सा डाल के चेक कर रहे हैं कि तेल अभी गर्म हुआ कि नहीं। और देखिए हमारा तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, कैसे किस तरीके से खोलने लग रहा है। ये जो है रेशमी जी पन्नी को काट रहे हैं, जलेबी ऐसे ऐसे करके डालेंगे ना गोल गोल करके, इसलिए काट रहे हैं। नहीं सीधे डालेंगे। हेलो उसमें डाल के देखो ना। हाँ अरे नीचे से गिर रहा है यार, काय कर रहे हो तुम लोग यार। अरे इधर ये देखो दोस्तों हमारा जो जलेबी है तलने लग रहा है कितना अच्छे तरीके से, थोड़ा टेढ़ा मढ़ा हो गया। जलेबी सीधा का होता है। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, पता ही नहीं लग रहा जलेबी है कहाँ है। अभी दोस्तों जलेबी जो है मैं तलूंगा और देखता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो मैदा है बहुत ही ज्यादा पतला हो गया है, अभी इसको दोबारा मोटा बनाएंगे। रेशमी जी ने कुछ ज्यादा ही पतला बना दिया, देखिए जलेबी बन नहीं रहा है सही से। तो दोस्तों अभी जो है इसको दोबारा बनाते हैं मैदे को, थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ेगा तो उसके बाद में बनाएंगे हम लोग जलेबी। अभी दोस्तों हमारा जो है मैदा दोबारा बनाया हमने, थोड़ा टाइट करके बनाया, अभी इसमें बनाएंगे हम लोग जलेबी। चलिए डालो। ये देखिए दोस्तों अभी जो है कितना अच्छे तरीके से बन गया है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो जलेबी है कितना अच्छे तरीके से तल रहा है एकदम मस्त मस्त, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया
लेकिन बन रहा है अच्छे तरीके से। फर्स्ट टाइम बना रही है ना रश्मि जी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों मेरी बारी है, अब मैं बनाऊंगा, देखता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। हटो मेरे को, तो इसको पकड़ो। थोड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ मेरा। ये वाला जो मैंने बनाया और इधर का रेस भी बनाया। छोटी मुन्नी भी हंस रही है हमारा जलेबी देख के। आप बना रहे जलेबी अब्बास, ये देखो। और वो जो है हम दोनों ने बनाया, रेशमी जी और मैंने। बारी है अब्बास की। कैसे कहते जलेबी, ठीक है ना? कैसे कहते? इसे कहते जलेबी। तुमने क्या बनाया? जलावा। ये क्या है और ये क्या है, दिखा। बनाने के बाद दिखा, इसका अलग रखे, ठीक है? अभी जो है दोस्तों हमारा जलेबी बन गया है, देखे कितना अच्छे तरीके से भुन गया है। अभी इसको जो है चाशनी में डालेंगे। चाशनी ये रखा है, हम इसमें इसको डाल देंगे। चाशनी भी हमारा जो है थोड़ा बहुत ही ज्यादा कम है, और जलेबी भी कुछ ऐसा ही बना है टेढ़ा मेढ़ा सा। अभी इसको ढक देंगे अच्छे तरीके से, डुबो देंगे इसको। ये क्या बना दिया तूने? जलेबी है, तेरा ही बनता है, सीधा ऐसा बनता है जलेबी। दोस्तों हम लोगों का मन में जो कुछ भी आ रहा है वो ही बना रहे हैं हम लोग। पता नहीं जलेबी तो नहीं बन रहा है, और कुछ ही बन रहा है। और इधर जो है रेशमी जी बना रही है पीठा, ये देखिए पीठा बना रही है। तो दोस्तों हमारा जो जलेबी है बन गया, एकदम रेडी हो गया है। थोड़ा सा टेढ़ा मड़ा हुआ है लेकिन बन गया है। ये देखिए दोस्तों अभी रेशमी जी खा रही है। खाने में दोस्तों मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसा लगता है। खाने में जो है अच्छा हुआ, लेकिन इसका जो शेप है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्योंकि हम लोग जो है आज फर्स्ट टाइम बना रहे घर में जलेबी, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और इधर जो है दोस्तों अभी रेशमी जी बना रही है पीठा। इसके अंदर जो है डाला है रेशमी जी ने नारियल और गुड़, और इसको जो है मैदे से बनाया है। तो दोस्तों हमने जो पहली बार जब जलेबी बनाया था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, क्योंकि इसका जो मैदा था हमने कुछ ज़्यादा ही ढीला कर दिया। उसके बाद में हम दोबारा इसको टाइट करके बनाए हैं। अभी देखिए कितना अच्छे से बन रहा है जलेबी, एकदम गोल गोल बन रहा है। अभी जो है दोस्तों हमारा जलेबी अच्छा बन रहा है, लेकिन इधर चाशनी खत्म हो गया। लगता है हमें चाशनी दोबारा बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी रेशमी जी ने भून ही लिया है, देखिए दोस्तों। ये देखे दोस्तों इधर रेशमी जी ने बनाया था पीठा, इसको हम लोग गांव में बोलते हैं पीठा, तिलेर पीठा। और इधर जलेबी अभी जो है सभी लोग ने खा लिया, सिर्फ मैं रह गया और अब्बास रह गया। अब्बास अभी खा रहा है, चल खा। कैसे लगा? छोटे मुन्नी भी खा रही है इधर, इसके साथ स्वाद। रेशमी जी भी आ गई दोबारा खाने। दोस्तों ये जो है खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अंदर इसका जो है नारियल और गुड़ है ना, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और जलेबी टेस्टी हुआ है, लेकिन जलेबी का जो गोल गोल है ना वो नहीं हुआ है हमसे, बाकी वो भी टेस्टी है। सो दोस्तों अभी जो है शाम को बज चुके हैं 6:30, और शाम को जो है हमारे घर में अभी तक कुछ बना नहीं है, बस दोपहर में हम लोग खाए थे। इसीलिए मैं दुकान से चाउमीन लेके आया हूँ, रोल फिंगर ये सब लेके आए। रात का खाना शायद इसी में हो जाएगा, है ना जी? नहीं। तो रात का खाना इसमें नहीं होएगा, ये बस ऐसे थोड़ा सा भूख मिटाने के लिए लाया हूँ मैं दुकान से। रात में तो देखते हैं क्या बनाते हैं रेशमी जी। अभी इधर बड़ी मुन्नी भी अभी खा रहे फिंगर, छोटी मुन्नी भी खा रही है फिंगर। चलिए दोस्तों उसको फटाफट से खाते हैं, अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है मेरे को, क्योंकि बस दोपहर में ना उतना कुछ खास कुछ खाया नहीं है मेरे को, इसलिए भूख लग रहा है। फटाफट से खा लेते हैं, मुंह में पूरा पानी आ रहा है। सो दोस्तों हम लोगों ने जो है खाना पीना खा लिया है, इधर छोटी मुन्नी और मम्मी जो अभी तक खा ही रहे। और दोस्तों आज के जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज की ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।